बड़ी खबर यह है कि अब मात्र 3 घंटे प्रचार के रह गए हैं इन उपचुनाव के लिए। शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा आज, और अंतिम दिन दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा प्रत्याशी के लिए सीएम योगी ने प्रचार किया है रामपुर में आज। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी आजमगढ़ में दम दिखा रहे हैं। सिर्फ 3 घंटे प्रचार का वक्त बाकी रह गया है, इसके बाद प्रचार समाप्त और फिर परसों यानी 23 जून को मतदान होगा इन दोनों लोकसभा सीटों पर, रामपुर में और आजमगढ़ में। तो आजमगढ़ में सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव रोड शो कर रहे हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी हैं जो उनके प्रचार में जुटे हुए हैं। समर्थक प्रचार के दौरान जश्न मना रहे हैं और उनका दावा है कि जनता उनके साथ है और उनके प्रत्याशी के पक्ष में ही वोट करेगी। ये देखिए आप तस्वीरें रोड शो की, धर्मेंद्र यादव के रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं आजमगढ़ से। ये सपा के प्रत्याशी तो इस वक्त सदर विधानसभा में हम मौजूद हैं और आप देखिए आजमगढ़ की धरती पर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का रोड शो शुरू हो चुका है। आपको ये देखिए जो सपा समर्थक हैं वो आगे जीप पर सवार, और अगर इसके आगे बात करें तो जो समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो आगे आगे चल रहे हैं। पीछे ये खुली हुई जीप पर जो लोग चल रहे हैं उनको देखिए, इसके बाद फिर ये कार्यकर्ता बीच में, और पीछे धर्मेंद्र यादव, ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ हैं, और जो सदर विधानसभा के जो विधायक हैं वो भी उनके साथ हैं। तो आज आजमगढ़ के इस रण में क्या लग रहा है, आपका रोड शो सब पर भारी रहेगा? धर्मेंद्र यादव देखिए और ओम प्रकाश, ये रोड शो निकला तो जबरदस्त भीड़ ने धर्मेंद्र यादव का स्वागत किया है और उसके साथ ये रोड शो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो जो समर्थक हैं उनसे जानते हैं कि कितना उत्साह और किस तरह का उत्साह। देखिए पूरे आजमगढ़ में बहुत जबरदस्त उत्साह है और हर्षोल्लास के साथ ये आजमगढ़ की जनता तय कर चुकी है कि माननीय धर्मेंद्र यादव जी को यहाँ पे उपचुनाव में सांसद बनाना है। पिछले 10 दिनों से लगातार हम लोग हैं यहाँ पे और सारी विधानसभा में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। कम से कम 1.5 लाख हो तो ज़्यादा, मुझे लगता है कहीं ये आंकड़ा 2 लाख से पार ना हो जाए। ये उपचुनाव है इसलिए कह रहा हूँ, 2 लाख वोटों से ज़्यादा धर्मेंद्र यादव जी इस उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। देखिए आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहने वाले लोगों को ये जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है, और वो नौजवान जिसे आप अग्निवीर बना करके और भाजपा कार्यालय में आप गार्ड की नौकरी देना चाहते हैं वो भी तैयार बैठे हैं, वो बदलाव की मुद्रा में है। जिस तरह से आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय अखिलेश जी जीते थे, वैसे ही धर्मेंद्र जी चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और सड़क पर किस तरह से हुजूम उमड़ा पड़ा है सदर विधानसभा में। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, आजमगढ़। एबीपी गंगा से बातचीत में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जनता का आशीर्वाद मिला तो संसद में अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे। रोड शो आज एकदम पूरी तरह से जमा हुआ है, सड़कों पर माहौल बना हुआ है, तो निरहुआ भी रोड शो, तो क्या किसका रोड शो, किस पर भारी? अरे रोड शो तो कोई भी करे वो अलग बात है, मैं उन बातों से नहीं जाना चाहता हूँ। भारी कौन है, ये पूरा इतिहास सामने है, कोई नई चीज़ है क्या? और क्यों आप अनभिज्ञ और अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? लगातार 12 के 10 में से 9, 14 में ऑलरेडी नेताजी को यहाँ से सांसद बनाया, 17 में हालांकि हमारी पार्टी को कम सीटें थी लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीटें आजमगढ़ जिले से मिली। उसके बाद 19 में ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब यहाँ से चुनाव लड़े तो ऐतिहासिक वोटों से आजमगढ़ के लोगों ने जिताया, 2,60,000 से। 22 के चुनाव आते आते 10 की 10 सीटें आजमगढ़ के लोगों ने दी, तो इससे शानदार इतिहास क्या होगा? और उस शानदार इतिहास की के थाती पर मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, इतने शानदार बैकग्राउंड के साथ चुनाव लड़ने का मौका मिला, ये बहुत किसी उम्मीदवार के लिए सौभाग्य की बात होगी। धर्मेंद्र जी सामने दिनेश लाल यादव निरहुआ है, बीजेपी का विकास का नारा, गुड्डू जमाली स्थानीय व्यक्तित्व वो कह रहे हैं, और आप समाजवादी पार्टी, आपका भी नारा बता दीजिए, कौन सा नारा? देखिए हमारा नारा बहुत जज्बाती रिश्तों का नारा है, और पूरे आजमगढ़ के लोग जानते हैं, ऑलरेडी नेताजी को मुख्यमंत्री होने का मौका मिला, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मौका मिला, और आजमगढ़ में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, अगर आपने विकास की चर्चा की, अगर हम शुरुआत करें आजमगढ़ कमिश्नरी बनाने से, अगर शुरू करते हैं तो 1995 में माननीय नेताजी की सरकार की कमिश्नरी है, राहुल सास्यान जी के नाम पर
1995 की सरकार में नेताजी ने बहुत बड़ा जिला अस्पताल बनाया था। फिर 2003 में जवाहरलाल नेताजी मुख्यमंत्री बने तो आजमगढ़ के PGI से लेकर तमाम सुविधाएँ यहाँ दी और 12 से 17 के बीच जमाने अखिलेश यादव जी का कार्यकाल रहा। तो न केवल PGI को पूरा किया बल्कि सठियाओं की शुगर मिल जो आजमगढ़ के किसानों की बहुत ज़रूरी मांग थी उस शुगर मिल का पेमेंट BJP के लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपके एक्सप्रेस वे का अलाइनमेंट, नेताजी के कार्यकाल में आपका एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ। तो आजमगढ़ में जो भी विकास के नाम पर आप देख रहे हो वो समाजवादियों की ही देन है और समाजवादियों की जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि आजमगढ़ के लोगों को जब मौका मिला तो नेताजी का, पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सबका सम्मान यहाँ के लोगों ने किया है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे। आजमगढ़ में प्रचार के आखिरी दिन ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान दे डाला। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेकर कहा है कि निरहुआ की रैली में वोट देने वाली भीड़ नहीं आती है बल्कि नाचने गाने वाले प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं को देखने आती है। उनके साथ आने वाली अभिनेत्रियों को देखने के लिए लोग आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, झूठे हैं भाजपा ही चिल्लाते हो सर, अरे जो रोड शो फोसो करत हो ना, इसे कुछ मिली थोड़ो, वो तो अगवा बैठा लेते हैं दो तीन थे, वो हीरोइन वही के देखे बजे कुछ लड़का दौड़ते हैं सर, वोटर थोड़ो आते हैं उनके मीटिंग में। ये लोग नाम सुनते हैं कि भाई ये लोग नाचते बहुत तगड़ा है, ये गाका नाम से आपके गाना अश्लील गाते हैं, ये सब तो आजकल के बच्चे उसको पसंद करते हैं तो सुनने के लिए रेल देते हैं। ओपी राजभर का बयान आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर के बिलासपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी के पक्ष में उन्होंने आज चुनावी सभा की और इस दौरान उन्होंने सपा की पुरानी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में दंगाइयों को सीएम आवास बुलाया जाता था और अब सीएम आवास पर गुरबाणी सुनी जाती है। देखिए क्या कहा मुख्यमंत्री ने। कुछ लोगों की, यानी जो एक कहावत है ना कि रस्सी पूरी जल जाती है लेकिन ऐंठन नहीं जाती, कुछ लोगों की ऐंठन अभी भी नहीं जाती है। रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठन नहीं जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर भी भेदभाव नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। हमने कोरोना में सबका उपचार बराबर किया, जो बाहर थे उनको भी फ्री में उपचार और जो जेल में थे उनको भी फ्री में उपचार करा। अगर फ्री में उपचार नहीं कराते तो बहुत सारी स्थितियां हो जाती। फ्री में उपचार किया, अरे कम से कम इसके लिए धन्यवाद तो करते कि फ्री में उपचार कराया। रामपुर के चाकू का दुरुपयोग उन्होंने किया था यहां की जमीनों पर कब्जा करने के लिए, गरीबों को उजाड़ने के लिए, गुंडा राज और माफिया राज स्थापित करने के लिए, सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए। लेकिन जब ये रामपुर का चाकू डबल इंजन की सरकार के हाथ में आया तो यहां पर गुंडा और माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, साथ साथ सरकारी धन का उपयोग यहां के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के विकास का पैसा समान रूप से रामपुर के अंदर हर एक जगह उपलब्ध करवाया है। इधर आजमगढ़ से बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार किया और अपने पक्ष में हवा होने की बात कही, उसका दावा किया। के उपचुनाव के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। हमारे साथ शाह आलम गुड्डू जमाली जी हैं। गुड्डू जमाली जी, आज आखिरी दिन है। जी आखिरी दिन है और बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव जीत चुकी है। आप थोड़ा सा, आपने कहा ना कि आखिरी दिन है, दो चार दिन की बात है, कल परसों पोलिंग हो जाएगी, 26 को ये सारा हिंदुस्तान देख लेगा बहुजन समाज पार्टी सीट जीत गई। बहुत नेता बड़े बड़े उतरे हुए हैं गुड्डू जी, और कहा जा रहा है कि एक और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी के भाई हैं वो उतरे हुए हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी भी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ फिट बैठ रहे हैं? क्या ऐसा है कि वो कोई भी उतरा हो, कोई किसी का भाई हो, कोई कहीं से बिलोंग करता हो, ये चुनाव जमाली ही जीतेगा। कैसे और क्यों? जिला हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, ये लोग बाहर से आके थोड़ी हमारा खेत जोतेंगे, और ये चुनाव हम नहीं हराएंगे, यहाँ की जनता हराएगी उनको और हरा रही है। कह रहे पुराना जनाधार है और चल जाएगा जनाधार,
उसमें कौन सी दिक्कत है भाई, चार ही दिन की तो बात है, सब सामने आ जाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी ही खाली आपको पसंद कर रही है या यादव वोट भी आपके खाते में है? या सारी कम्युनिटी पसंद करती है, यही मेरी पूजी है। आप देखिएगा इन लोगों को बहुत भरम है, असल में ये लोग आवास में आते हैं वहाँ में चले जाते हैं, ज़मीनी हकीकत तो मालूम नहीं है। जमाली रोज 20 किलोमीटर पैदल चल के पैर हमारा सूज गया है, तो आई नो द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी मुझे पता है। हमको सर समाज हराएगा और मैं क्या, सही बात है इन लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लगे हुए हैं सारे लोग, अगर इतना ही ताकत है तो बौखलाए क्यों है, ये दोनों चुनाव हार रहे हैं। अच्छा सामने कौन है, सपा है या बीजेपी? अब देखिए वो दोनों लोग दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, लाखों वोट के डिफरेंस से हारेंगे, यू बिलीव मी ट्रस्ट मी, ये लोग 100% चुनाव हारेंगे, कोई उसमें शक नहीं है, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डाउट। दूसरे नंबर पे कौन है? आप अगर खुद को एक नंबर बताओ। मेरा मानना है कि शायद आई एम नॉट श्योर, देखो मैं उसमें श्योर नहीं हूँ, बट शायद भाजपा रहे। भाजपा रहे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, आजमगढ़। बहुत रोचक, गुड्डू जमाली बीएसपी के कैंडिडेट हैं, कह रहे हैं उनकी जीत में तो कोई शक है नहीं, लेकिन दूसरे नंबर पर शायद भारतीय जनता पार्टी रहे। आज उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन नेताओं के जुबानी हमले एक दूसरे पर लगातार जारी हैं, और इसी को लेकर सपा प्रत्याशी के समर्थन में आजम खान ने चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि केशव मौर्य ने ईश्वर की तौहीन की है, और ऐसे में अल्लाह तौहीन करने वालों से इंतकाम लेगा, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें। वो कल एक बेवकूफ आया था जो विधानसभा में जमानत खो बैठा अपनी, विधान परिषद का खैरात और भीख में मेंबर बनाकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है, वो अपने ही भगवान की तौहीन करके गया है। उसने कहा है कि राम राज रहेगा, अब्दुल्ला राज नहीं रहेगा। अरे कौन कहता है अब्दुल्ला राज आए, अब्दुल्ला को तो जिल्लत और ख्वारी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, उसे जेल मिलेगी। आजम खां के हमले का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके जवाब दिया है। ट्वीट करके केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं कि माननीय विधायक मोहम्मद आजम खां जी के अपशब्दों का उत्तर कमल खिलाकर देना, रामपुर और आजमगढ़ के भाइयों बहनों, खान साहब का मानसिक संतुलन ठीक है तो इस भाषा का क्या जवाब दूं, नहीं ठीक तो इलाज कराएं। सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, ट्वीट करके उत्तर दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने। ट्वीट का कंटेंट हमने आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है। और भाजपा के कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उपचुनाव में अखिलेश यादव के प्रचार नहीं करने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आजमगढ़ में धूप है इसलिए नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की तुलना ही नहीं। 1984 में हुए सिख नरसंहार के मामले में एसआईटी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एसआईटी सरकार के आदेश के बाद गठित की गई थी, और एसआईटी के जो डीआईजी हैं बालेंद्र भूषण जी, वो हमारे साथ हैं। बालेंद्र जी, आपने चार लोगों को पहले गिरफ्तार किया था, ताबड़तोड़ आप कार्रवाई कर रहे हैं, अब क्या अपडेट है इसमें? क्राइम नंबर 368/84 जो किदवई नगर थाने का है, उसमें सर्वप्रथम गिरफ्तारी की कार्रवाई प्रारंभ की गई, और चार अभियुक्तों को विगत दिनों में हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। उसी केस में जो है कल रात में भी दबिश की कार्रवाई दी गई, जिसमें दो लोग अरेस्ट हुए हैं, उनको आज हम पूछताछ करके जेल भेज रहे हैं, और अभी उसमें कुछ और लोग वांछित हैं। ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है। सुल्तानपुर में बेखौफ बदमाशों की करतूत सामने आई है। यहाँ पर मामूली विवाद में लाठी डंडों से बुजुर्ग और महिलाओं की पिटाई की गई है, और इस हमले में एक शख्स घायल हो गया है, उसका इलाज जारी है। इसका वीडियो, इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर सुल्तानपुर से है। बेखौफ बदमाशों की करतूत वहां पर दिखाई दी है, और मामूली से विवाद में लाठी डंडों से पिटाई की गई है। मामूली सा विवाद था, लेकिन लाठी डंडों से पिटाई की गई है, बुजुर्ग और महिलाओं पर हमला किया गया है, और इस हमले में एक शख्स घायल है, उसका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर सुल्तानपुर से, यह वीडियो वायरल हो रहा है जो आप देख रहे हैं। इस वक्त बेखौफ बदमाशों की करतूत, इस वक्त आप देख रहे हैं, यह वीडियो वायरल है। मामूली सा विवाद था, लाठी डंडों से कैसे पीटा गया बुजुर्गों और महिलाओं को, ये इस वक्त आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। घायल व्यक्ति, उसका इलाज चल रहा है। सोशल मीडिया पर यही वीडियो सुल्तानपुर का वायरल हो चुका है।
और जैसा हमने आपको बताया कि भाजपा के कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उपचुनाव में अखिलेश यादव के प्रचार नहीं करने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में धूप है इसलिए अखिलेश नहीं जा रहे हैं और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में कोई तुलना नहीं है। कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सीतापुर पहुंचे हैं और वो यहाँ पर मंदिरों में आज दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। पहला सवाल सर, हालांकि राजनीति से संबंधित है, क्या कारण आप मानते हैं कि आजमगढ़ और रामपुर में अखिलेश यादव चुनावी सभा को संबोधित करने नहीं पहुंचे? ये उनकी स्वयं की रणनीति है। देखिए, जैसे एक डिकोरम मेंटेन करते हैं कि हम उस चुनाव में नहीं जाएंगे, तो अखिलेश यादव जी अपना डिकोरम मेंटेन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इस पर कोई खास टिप्पणी बनती नहीं है। हमारे हिसाब से खास टिप्पणी नहीं बनती है क्योंकि उनका एक दल है और दल के लोग और लोग गए हैं और उन्होंने क्यों नहीं गए, ये उनकी स्ट्रेटजी है, उस पर कोई बनता नहीं कुछ कहना। तो क्या लगता है रिजल्ट क्या आने वाला है? देखिए, वो दोनों सीटें हमारे पास नहीं थी और दोनों जगह उपचुनाव हुआ है क्योंकि दोनों जगह के प्रत्याशियों ने इस्तीफा दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीतेगी। तो 40-40 आदमी उनके परिवार में सांसद रहे, एक एक परिवार में 5-5 सांसद, 7-7 सांसद रहे, देश के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं है। तो मुलायम सिंह पुरुषार्थी थे। हाँ, जो वर्तमान में हैं ये मुलायम सिंह का 1/10 भी नहीं है, ये मुलायम सिंह का 1/10 भी नहीं है। अब जैसे आपने सवाल पूछा था कि आजमगढ़ क्यों नहीं जा रहे हैं, आजमगढ़ क्यों नहीं जा रहे हैं, हमने कहा ये उनका व्यक्तिगत विचार है। तो आजमगढ़ कैसे जाए, धूप है इस समय, 42 डिग्री टेम्परेचर है, फिर कोई सवाल जवाब करेगा, कोई कहेगा क्यों छोड़ दिया, क्यों करिए, तो क्यों जाए। और मुलायम सिंह होते क्या करते, मुलायम सिंह डेरा डाल देते। बिल्कुल। तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जो हर एक राजनीति का सवाल आज जो है ले रहा था एबीपी गंगा और उसका जवाब बहुत ही बेबाकी से दे रहे थे और सीतापुर पहुंचे हैं। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। योग दिवस पर फतेहपुर के सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान छात्र छात्राओं को योग के जरिए निरोग रहने के गुर सिखाए गए। रिपोर्ट देखिए। योग दिवस पर फतेहपुर के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में योग के गुर सिखाए गए। योग के क्रियाओं के जरिए निरोग रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स, छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने योग किया। युवाओं में सबसे ज़्यादा हो रहा है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी मेंटल कंडीशंस होती हैं। अगर हम योग करेंगे तो उससे हमारी जो मानसिकता है वो काफ़ी डेवलपमेंट होगी। कार्यक्रम के जरिए संदेश दिया गया कि योग से किस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है और आम जीवन में इसके क्या फायदे हैं। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये कैडेट जो हमारे कैडेट्स हैं एनसीसी के प्लस एक्स एसएनसी कैडेट और टीचर्स, ये एक चेन बनेंगे। जब ये वापस अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस में जाएंगे तो वहाँ के लोग जो नहीं इसमें आलस दिखाते हैं उनको एक मैसेज जाएगा कि हम अगर योग करेंगे तो हम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। पीएम मोदी भी योग पर खासा जोर देते हैं। पीएम से प्रेरणा लेकर स्कूल प्रबंधन ने इस बार बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करवाए हैं। संदेश यही है कि योग करिए और निरोग रहिए। हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर गति हो, लोच हो, बल हो, उछाल हो और बुद्धिमान हो विद्यार्थी, जिससे तन मन धन से अपने देश की सेवा कर सकें, एक अच्छे श्रेष्ठ नागरिक बनकर। अगर प्रतिदिन 1 घंटे हम योग के लिए देते हैं तो पूरा शरीर निरोग रहता है और हमने देखा है कि उसको पूरे विश्व ने इसीलिए स्वीकार भी किया है।
छात्रों को बताया गया कि वो अपने जीवन में योग के जरिए कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने जीवन में योग को स्थान दें। एबीपी गंगा के लिए फतेहपुर से संदीप केसरवानी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।